हाय स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, जो कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इज एडेड टू एसिटिक एसिड। क्लियर? कौन सा गैस आपका इवॉल्व होता है जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में ऐड करते हैं एसिटिक एसिड को? तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्लियर? चलिए आंसर देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एडेड टू एसिटिक एसिड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम थ्री केमिकल्स इन विच कॉमन सॉल्ट यूज्ड एज द रॉ मटेरियल। आपको तीन केमिकल्स का नेम बताना है जिसमें कॉमन सॉल्ट को यूज करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। क्लियर? तो फर्स्ट है वॉशिंग सोडा, सेकेंड है ब्लीचिंग पाउडर और थर्ड है बेकिंग सोडा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ टू सॉल्ट्स बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा विच सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? तो इसका सिंपल आंसर होगा बेकिंग सोडा NaHCO3 डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? इससे रिलेटेड, क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, नेम टू क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विच डू नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? जो कंटेन नहीं करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वो दो आपका सब्सटेंस है, फर्स्ट है कॉमन सॉल्ट NaCl और सेकंड है शुगर C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस वुड बी इवॉल्व्ड इफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज ट्रीटेड विथ टर्टरिक एसिड। क्लियर? तो वो गैस कौन सा है? तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो याद रखिएगा, जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रीट करते हैं टर्टरिक एसिड से, और सेकंड आप ये बात याद रखिएगा, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब ऐड करते हैं एसिटिक एसिड में, तो दोनों केस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। क्लियर? तो ये था आपके लिए कुछ क्वेश्चन का आंसर। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस वीडियो, प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। सी यू नेक्स्ट वीडियो।